असलम टू आल ऑफ़ यू माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेवंथ स्टैंडर्ड इन दिस वेरी लेक्चर वी विल डिस्कस वन ऑफ़ द टाइप्स ऑफ पर्मांट इशू दैट्स सिम्पल परमानेंट इशू इन द अर्लियर लेक्चर आई टोल्ड यू दैट प्लान बॉडी इज़ मेडअप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिशूज वी स्टार्टी मेरी स्टमैटिक टिशूज और मेरीस्टम्स एंड नाउ वी विल टेक अ परमानेंट टीज एज यू नो पर्मनंट टिशूज और मेडअप ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ड देर पावर ऑफ सेल डिजन वो वाली सेल्स जो डिवाइड नहीं होती है तो वो कलेक्टिवली प्रोड्यूस करती है पर्मांट टिश्यूज तो परमानेंट टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ विच दे आर मेड जैसे सिंपल पर्मांट टिश्यू में वो वाली सेल्स आती है जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा जिनकी फंक्शन सेम होगी और जिनका ओरिजिन सेम होगा ठीक है दो सेल्स विच हैव कॉमन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ओरिजिन दे फॉर्म सिंपल पर्मांट टिश्यू हाउ इफ़ यू टॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स पर्मांट टिश्यू दे आर द सेल्स आर डिफरेंट there are many types, right? now, today we will focus on simple permanent tissue and on protective tissue. simple permanent tissue are classified into two types depending upon their functions, protective tissue and supporting tissue. protective tissue, as the name suggests, it protects plant body from different agents like mechanical injury, chemicals, you know, infectious agents, etc. protective tissue may, epidermis, a tissue. Hai, jo, tissue mein, it covers the whole plant body. Like in case of animals, if we talk of our body, our whole body is covered by skin. That's the major or largest organ of our body. Where see plant body may be epidermis. That's a protective tissue comes under simple permanent tissue that protects the whole plant body. Each and every part of plant body, whether leaves or stem or root, shoot, etc.

बिकॉज इसमें कुछ और भी सेल्स होती है जिनको हम गार्ड सेल्स बोलेंगे बट रिम्बर एपिडामज इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। आप देख सकते हो यहाँ पे लीफ का जो आउटर लेयर है इट्स मेड अप ऑफ एपिडामस और एपिडामल सेल्स यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स मैंने बनाई है तो इनके बीच में गॉड सेल्स होती है ये बीन शेप्ड सेल्स ठीक है इनको हम गॉड सेल्स बोलेंगे गॉड सेल्स फॉर्म पोर्स विच आर कॉल्ड एज स्टोमेटा ये पोर्स लीव्स में होती है दे अलाउ गैस एक्सचेंज फोटोसिंथिस के टाइम लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है जब फोटोसिंथिस कम्प्लीट होती है ऑक्सीजन इज जनरेटेड दैट कम्स आउट थ्रू दिस पोर्स दैट कॉल्ड एज स्टोमैटा ठीक है इन द लीव्स इन एडिशन टू एपिडर्मल सेल्स दे आर प्रेजेंट गॉड सेल्स विच फॉर्म स्टोमेटा एंड थ्रू दिस स्टोमेटा गैसिस एक्सचेंज टेक्स प्लेस ठीक है सो बाकी जगहों पे सिर्फ एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी अब एपिडर्मिस जो है जैसे प्रोटेक्शन इसका काम है इसके आउटर सरफेस पे एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं यूजुअली इन लीवस एवरग्रीन लीव्स जो होते हैं उनके यू नो एपिडर्मिस की एक्सटर्नल में एक कवरिंग होती है वैक्सी कोटिंग है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट इट प्रिवेंट इस एक्सेस एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द लीव ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट एपिडामिस दैट्स अ प्रोटेक्टिव टिश्यू इट फॉर्म्स कवरिंग थ्रू आउट द प्लान बॉडी एंड outside the epidermis there's present a waxy coating which we called as cuticle right it is water resistant or waterproof and in between epidermal cells there are present guard cells which form stomata and they help in gaseous exchange exchange of carbon dioxide and oxygen between environment and leaf so this is all about in today's lecture tomorrow inshallah we will take up supporting tissue uh, in which sclerenchyma we have to discuss sclerenchyma colenchyma and parenchyma thank you